दोस्तों, धुरंधर चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेके आया हूँ वो स्पेसिफिकली शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में। मेरा एम इस वीडियो को बनाने का सिर्फ इतना है कि कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट्स जो भी इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने जा रहे हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, उन सबको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ मेरी कोशिश रहेगी उन सारे कैंडिडेट्स को ये बताने की कि अगर आप अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन को खत्म करते हैं 10 साल या 14 साल के बाद, उसके बाद आपका रास्ता सिविल स्ट्रीट में या कॉरपोरेट सेक्टर में जाने के लिए कैसे तैयार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि शॉर्ट सर्विस कमीशन को ज्वाइन करने के बहुत सारे माध्यम हैं। उन्हीं में से सबसे फेमस है CDSE का रिटन एग्जामिनेशन, जो कि इंडियन आर्मी में एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए केवल और केवल ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी ही यूटिलाइज होती है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, जो कि टेक्निकल ग्रेजुएट्स के लिए इस्तेमाल होता है, ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम होती है और शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स दोनों के लिए होती है। इसके अलावा वेरियस सर्विस नोटिफिकेशंस रिलीज किए जाते हैं, सर्विस एग्जाम्स होते हैं जो कि इंडियन नेवल एंट्रेंस टेस्ट और एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के नाम से मशहूर है। दोस्तों, आखिरकार शॉर्ट सर्विस कमीशन है क्या? शॉर्ट सर्विस कमीशन लिमिटेड पीरियड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इनिशियल एंगेजमेंट 10 साल के लिए होता है और एक्सटेंड करके 14 ईयर्स तक किया जा सकता है। लेकिन ये प्लस टू और प्लस टू क्या है? इसका मतलब ये है कि 10 साल के बाद आप 2 साल का एक्सटेंशन लेते हैं। अगर आप 2 साल के बाद निकलना चाहते हैं तो आप निकल सकते हैं। इसके अलावा आप प्लस टू और ले सकते हैं और अपना टोटल टेन्योर 14 ईयर्स का कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप एयरफोर्स में हैं तो आप विंग कमांडर रैंक तक जा सकते हैं, अगर आप आर्मी में हैं तो आप लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक तक जा सकते हैं, और अगर आप नेवी में हैं तो आप कमांडर रैंक तक जा सकते हैं। दोस्तों, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जब अपनी 7वीं और 8वीं साल की सर्विस में पहुंचते हैं, तब कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस को परमानेंट कमीशन का ऑफर दिया जाता है, जो कि मुख्यतः टेक्निकल ब्रांचेस या लॉ ब्रांचेस या आर्मामेंट कार्डर जैसे ब्रांचेस से ऑफिसर्स होते हैं। इसके अलावा पीसी ऑप्शंस दूसरे ब्रांचेस को भी ऑफर किया जाता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि अगर उस डिपार्टमेंट में या फिर उस ब्रांच में वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं। इसके अलावा कुछ साल पहले वुमेन ऑफिसर्स ने इस पैटर्न को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि वुमेन ऑफिसर्स के पास परमानेंट कमीशन का कोई भी ऑफर अवेलेबल नहीं था, डिस्पाइट टेक्निकल ब्रांचेस, लॉ ब्रांचेस और आर्ममेंट कैडर में परमानेंट कमीशन के ऑफर होने के बावजूद भी। तो वुमेन ऑफिसर्स ने अभी रिसेंटली इस चैलेंज को जीता सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट डिक्लेयर किया कि वुमेन ऑफिसर्स भी अब परमानेंट कमीशन के लिए हकदार होंगी। चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स आफ्टर रिटायरमेंट। बहुत से कैंडिडेट्स इस बारे में जरूर पूछते हैं कि अगर वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन करते हैं तो रिटायरमेंट के दौरान उनके बेनिफिट्स और परमानेंट कमीशन के बेनिफिट्स में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहला है ग्रेचुटी अमाउंट, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन ऑफिसर दोनों को मिलता है, लेकिन दोनों अमाउंट में थोड़ा डिफरेंस होता है। वो डिपेंड करता है आपकी सर्विस की लंबाई के ऊपर। अगर आपने 10 साल काम किया है तो 10 साल के हिसाब से आपका ग्रेचुटी कैलकुलेट होगा, अगर 20 साल किया है तो 20 साल के हिसाब से। लीव एनकैशमेंट, आपने सालाना, आपने 10 साल में या 20 साल में आपको मैक्सिमम 300 दिन की छुट्टी का ही पैसा अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपको डीएसओपी अमाउंट मिलता है। डीएसओपी एक तरीके का प्रोविडेंट फंड होता है, जो कि परमानेंट और शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों के लिए एक जैसा होता है। इसमें उतना ही पैसा होगा जितना आप अपने पूरी सर्विसेज के दौरान अक्यूमुलेट करेंगे। एनजीआईएफ, एजीआईएफ या एएफजीआईएस ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, जो कि तीनों सर्विसेज में दोनों एंट्रीज के ऑफिसर्स के लिए बिल्कुल समान है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन ऑफिसर से थोड़ा अलग करता है, वो है अबाउट पेंशन। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर को पेंशन नहीं मिलती है और ना ही कोई नेशनल पेंशन स्कीम उन पे अभी लागू है।
परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को फ्री पेंशन मिलती है, लेकिन नेशनल पेंशन स्कीम की कोई फैसिलिटी परमानेंट कमीशन के ऑफिसर को भी नहीं है। हालांकि नेशनल पेंशन स्कीम के नए रूल्स के आधार पर अब देश के कोई भी नागरिक इसको खोल सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स सर्विस मैन का टैग भी मिल जाता है, लेकिन विदाउट पेंशनर, क्योंकि आपके पास कोई पीपीओ नहीं होता और आपके पास पेंशन नहीं होती है। पार्शल मेडिकल स्कीम आपको मिलती है। पार्शल मेडिकल स्कीम के बारे में आपको बता देता हूं, इसका मतलब यह है कि आपको कैशलेस फैसिलिटी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन रिटायर होते हैं 10 साल के बाद या 14 साल के बाद, और आप अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और उसके बाद आप किसी अस्पताल में एडमिट होते हैं, तो आपको पहले उस प्राइवेट अस्पताल में जो कि ECHS एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम से अफिलिएटेड है, तो आप वहां पे अपना इलाज पहले कराएं। उसके बाद जो भी आपका बिल होगा, जो भी खर्चा आएगा, वो आपको 50% के हिसाब से वापस मिलेगा अगर आपने 10 साल तक की सर्विस की है। अगर 10 और 14 के बीच में किया है तो 75% तक का क्लेम आप इंडियन आर्मी या इंडियन डिफेंस फोर्सेस से क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों, हमने अभी बात की मॉनेटरी बेनिफिट्स के बारे में, चलिए बात करते हैं करियर ट्रांजिशनिंग के बारे में। शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए सबसे बड़ा प्रेशर उनके दिमाग में रहता है कि शॉर्ट सर्विस खत्म होने के बाद उनका करियर ट्रांजिशन किस तरीके से होने वाला है, क्या वो स्मूथ होगा या डिफिकल्ट होगा। आइए उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। दोस्तों, भारतीय सरकार ने रीसेटलमेंट कोर्स नाम की चीज डिफेंस फोर्सेस को प्रोवाइड कराई है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने आखिरी साल में होते हैं, तब आपको 6 महीने का एक मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स करने का मौका दिया जाता है। ये अब तक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, IIM लखनऊ और IIM इंदौर जैसे जाने माने प्रतिष्ठित कॉलेजेस में करवाया जाता था। अहमदाबाद ने लास्ट ईयर तक कंडक्ट कराया है, लेकिन 2021 में यह कंडक्ट नहीं किया गया है। इसके अलावा MDI गुड़गांव, IIFT जहां पे 3 महीने का सप्लाई चेन का कोर्स करवाया जाता है, इसके अलावा नेवल मैरिटाइम एकेडमी पे 3 महीने का, और इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग कोर्सेज जो कि वेरियस इंस्टीट्यूट्स में 3-3 महीने के कोर्सेज कराए जाते हैं। इसके अलावा ये सारे के सारे कोर्सेज परमानेंट नहीं है, कोई नए कॉलेजेस भी इसमें ऐड हो सकते हैं और आपको मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 1 साल के एग्जीक्यूटिव कोर्स का सजेशन 7th पे कमीशन में दिया गया था, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी सुनवाई भी नहीं हुई है और ना ही कोई चीज इंप्लीमेंट हुई है। तो अभी के लिए केवल और केवल 6 महीने का मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स ही अवेलेबल है। इसके अलावा आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि ये कोर्सेज मिलना कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हर साल बहुत सारे ऑफिसर्स सर्विस को छोड़ते हैं, चाहे वो परमानेंट कमीशन हो या शॉर्ट सर्विस कमीशन। कोई भी कोर्स रहेगा वो केवल और केवल सीनियोरिटी के आधार पे ही मिलेगा। इससे पहले केवल IIM अहमदाबाद ही एक ऐसा कॉलेज हुआ करता था जो कि अपना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता था ऑल सर्विस ऑफिसर्स के लिए, और जो उसको क्लियर करते थे, मेरिट में आते थे, केवल उन्हीं को मौका दिया जाता था IIM अहमदाबाद में मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स करने का। पर अब अहमदाबाद इस साल कोई कोर्स नहीं करा पाया है, तो IIM लखनऊ और IIM इंदौर में केवल और केवल सीनियोरिटी के आधार पे ही एडमिशन दिया गया है। इसके अलावा MDI गुड़गांव, IIFT NMAC या फिर कोई भी इंडस्ट्रियल फायर फाइटिंग कोर्सेज के लिए अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो ऑफिसर्स को मौका दिया जाएगा। इसके अलावा ऑफिसर्स जो केवल 10 साल में छोड़ के निकल रहे हैं, उनके लिए IIM जैसे इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना आसान काम नहीं होता है। तो इसलिए ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि एग्जीक्यूटिव कोर्स, मैनेजमेंट सर्टिफिकेशन कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, लेकिन कंपल्शन नहीं है कि आपको मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के स्मूथ ट्रांजिशन के बारे में। दोस्तों, ये एक और पेचीदा टॉपिक है जिसके बारे में इवन शॉर्ट सर्विस कमीशन जो कि सर्व कर रहे हैं वो भी कई बार सोचते हैं कि 10 साल या 14 साल की सर्विस खत्म होने के बाद
किस तरीके से मिलिट्री से ट्रांजिशन किया जाए कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए। दोस्तों सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन किया है तो अपने दिमाग में ये तय करके रख लीजिए और प्लान बना के रख लीजिए कि आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन 10 या 14 साल के अंतराल में छोड़ना ही छोड़ना है। इसके अलावा आप मेंटली अलर्ट हो जाएं अगर आप एसएससी ऑप्ट कर रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको परमानेंट कमीशन मिलने वाला है और आपको मिल ही जाएगा तो आप बहुत ही गलत फहमी में जी रहे हैं। आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। इसके अलावा अगर आपने पीसी ऑप्शन के लिए अप्लाई किया लेकिन आपको पीसी ऑप्शन नहीं मिला है तो ये बेहतर समय होगा कि आप अपना फोकस इमीडिएटली कॉर्पोरेट स्किल एनहेंसमेंट की तरफ बढ़ा दें ताकि आपका समय भी व्यर्थ ना हो और आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें। इसके अलावा आप अपने दिमाग में ये बात को हमेशा रखिए कि जब आप डिफेंस फोर्सेस से बाहर निकलने की तैयारी में होते हैं तो आप 10 साल या 14 साल में अपने आप को इतना ट्रेन कर चुके होते हैं कि आप कहीं भी किसी भी काम को करने में सक्षम होते हैं, बशर्ते आपको कुछ नई चीजें अपने अंदर अपने थॉट प्रोसेस में डालनी पड़ेंगी, कुछ नए स्किल्स सीखने पड़ेंगे ताकि आप कॉर्पोरेट जगत में अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। दोस्तों ये बहुत जरूरी है जानना कि जब कोई भी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर 10 साल में छोड़ता है तो उसकी उम्र 32 या 34 साल की उम्र में। 32 और 34 एक ऐसा टाइम होता है जो कि एक पीक टाइम होता है जब वो अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट ऑप्शंस। अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आप 10 साल में छोड़ रहे हैं तो आपके पास सबसे बढ़िया ऑप्शन अवेलेबल है वो है सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए, जिसमें सरकार आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन देती है और आपको मौका देती है कि आप तैयारी करके सिविल सर्विसेज में एंटर करें। इसके अलावा आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज में अपना नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। वेरियस PSUs, नेशनलाइज्ड बैंक्स, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट निकालते रहते हैं, जैसे कि SBI, नबार्ड या पंजाब नेशनल बैंक या फिर कोई भी अदर बैंक। तो इस तरीके की वैकेंसीज न्यूज़पेपर्स में आती रहती हैं, आप उन सब चीजों पर नजर रखें तो आपको पता लगेगा कि कब और कहां कैसी वैकेंसीज निकलने वाली हैं। इसके अलावा बात करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की। दोस्तों कॉर्पोरेट सेक्टर में एंटर करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता जो सजेस्ट किया जाता है वो है GMAT का रास्ता। अगर आप MBA करना चाहते हैं इंडिया से या फिर अब्रॉड बाहर जाके करना चाहते हैं तो GMAT आपके लिए सबसे बेहतरीन रास्ता होगा। अगर आपके पास समय है, पैसा है और आपके पास फैमिली सपोर्ट है तो GMAT एक सबसे रिकमेंडेड ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपना नेटवर्किंग एक्सपेंड करना पड़ेगा, LinkedIn जैसे प्लेटफॉर्म्स पे अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करना पड़ेगा जहां पे आप लोगों के साथ इंटरैक्ट कर सकें, इंडस्ट्री स्टालवर्ड्स के साथ इंटरैक्ट कर सकें, HRs के साथ इंटरैक्ट कर सकें, ये भी चेक कर सकें कि कौन सी कंपनीज में किस तरीके की वैकेंसीज निकली हैं एंड अपने आप को उसी के आधार पे उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के आधार पे तैयार कर सकें। जब आप अपने आप को उन स्किल्स के आधार पे तैयार करेंगे तब आपके रास्ते कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार हो जाएंगे। दोस्तों कॉर्पोरेट जगत में तैयार होने के लिए जरूरी है कुछ सर्टिफिकेशंस पे भी काम करना। केवल फौज में सीखी हुई चीजें ही आपको कॉर्पोरेट सेक्टर में कामयाबी नहीं दिला सकती हैं, आपको एंटर करने के लिए कुछ कॉर्पोरेट रिलेटेड कोर्सेज करने पड़ेंगे। कुछ कोर्सेज के नाम मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं, इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज हैं और आप उनको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। सबसे पहला कोर्स मैं आपको बता देता हूं जिसका नाम है सर्टिफाइड प्रोटेक्शन प्रोफेशनल कोर्स। ये असीस द्वारा कंडक्ट किया जाता है जो कि एक अमेरिकन इंस्टीट्यूट है। ये एक जाना माना सर्टिफिकेशन है फिजिकल सिक्योरिटी वर्ल्ड में। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल जो कि बहुत माना हुआ सर्टिफिकेशन है, ये भी कंडक्ट करवाया जाता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट USA द्वारा। इसके अलावा अगर आप साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में एंटर करना चाहते हैं तो CISSP एक जाना माना सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा आप नेटवर्किंग में कोर्सेज कर सकते हैं और अपने आप को प्रूव कर सकते हैं। डेटा साइंसेस आज की तारीख का सबसे हॉट टॉपिक और सबसे हॉट
जॉब रिक्वायरमेंट मानी जा रही है। आप अपने आप को डेटा साइंसेस में भी तैयार कर सकते हैं, जैसे कि पावर बी आई, पाइथन, टैबल्यू आर, ये ऐसे टूल्स हैं जो आपके डेटा साइंस फील्ड को इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, स्क्रम मास्टर और ना जाने कितने सारे कोर्सेज अवेलेबल। दोस्तों, इसके अलावा ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने कोर्सेज पीछे बताए हैं वही कोर्सेज करके आप आगे तरक्की हासिल कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के पास ऑप्शन बहुत खुल जाते हैं। वो अपने आप को किसी भी तरीके से तैयार कर सकता है। वो राइटर बन सकता है, यूट्यूबर बन सकता है, एंटरप्रेन्योर बन सकता है, फार्मर बन सकता है, और यहाँ तक कि उसके पास मॉडल, एक्टिंग, डिफेंस एनालिस्ट और अपने आप को पॉलिटिकल करियर में डालने की चेष्टा भी कर सकता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। मेजर मोहम्मद अली शाह एक जाने माने प्रख्यात डिफेंस एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ ये एक्टिंग भी कर चुके हैं, जिन्होंने हैदर मूवी में एक छोटा सा रोल निभाया था। आप चाहें तो देख सकते हैं। ये भी शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स थे और आज की तारीख में अपने आप को न्यूज चैनल्स में प्रेजेंट करते हैं और कई बार डिफेंस की नीतियों पे बात करते हैं। दोस्तों, अंत में मैं आप सब लोगों के सामने कुछ लाइनें रखने की कोशिश करूंगा जो कि बहुत जरूरी है शॉर्ट सर्विस कमीशन के थॉट प्रोसेस को बदलने के लिए। दोस्तों, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर बन के जा रहे हैं डिफेंस फोर्सेस में, तो आप अपने दिमाग को कंफ्यूज मत रखिए, अपने डिसीजन पे भरोसा रखिए। बाय द टाइम जब आप सर्विस छोड़ेंगे तो आप एक ट्रेंड नागरिक के रूप में बाहर आएंगे। जब आप नई चीजें सीखेंगे तो आपको कुछ पुरानी चीजों को अनलर्न करना भी जरूरी है। आप अजाइल रहें, फ्लेक्सिबल रहें, नई चीजों को सीखने के लिए तत्पर रहें, तो आप हमेशा कामयाबी के रास्ते चलेंगे। और रिलक्टेंट होने की आवश्यकता नहीं है, अपने होराइजन को आप कंटिन्यूअसली एक्सप्लोर करते रहें। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने में सक्षम होगी। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाबों को अगली वीडियो में क्लियर करने की। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू आगे बढ़ना चाहते हैं, डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप प्लीज ज्वाइन करें। आप घबराएं ना, अगर पेंशन अवेलेबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिफेंस फोर्सेस में सर्व नहीं कर सकते। आप सर्व कीजिए, आप देश में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दीजिए, और जब आप सर्विस करके बाहर निकलेंगे तो याद रखिएगा, आप एक ट्रेंड और एक बेहतरीन इंसान बन के ही देश में नागरिकों के बीच में जाएंगे। अपने आप को तैयार करते रहें, बढ़ते रहें, खुशहाल रहें, बी हैप्पी। जय हिंद, गॉड स्पीड।